हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो AKTU की वेबसाइट है, AKTU.ac.in, तो उसके बारे में, वो वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, जो भी हो, जानना चाहते हो वेबसाइट के बारे में, तो मैं चलिए आपको उसके बारे में बताता हूँ कुछ स्पेशल चीज़ें। तो चलिए वेबसाइट का नाम डाल लेते हैं AKTU। देखिए सामने आ चुका है AKTU.ac.in। इन किसी के लास्ट में लगाओ उसका मतलब होता है वो इंडिया की वेबसाइट है। ठीक, तो यहाँ पे हम आ गए हैं वेबसाइट पे। ये मैं कट कर देता हूँ ऊपर से, यहाँ से साइड से ये कट गया। ठीक, तो चाहे तो ये आप कंप्यूटर पे जैसा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक कीजिए, क्रोम में खोल लीजिएगा, और यहाँ देखिए लिखा हुआ डेस्कटॉप साइट, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो एज अ कंप्यूटर पे जैसे खुलता है पेज, उस तरह का खुल जाएगा। खैर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं इस चीज़ से। तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आपकी वेबसाइट है। ठीक, तो AKTU की ये वेबसाइट है, ये इसके अंडर में, इस वेबसाइट के अंडर में 800 कॉलेज हैं जो जो कि इससे कनेक्टेड हैं, इस वेबसाइट से, और जिसमें लाखों बच्चे हैं जो मतलब अपना रिजल्ट और सारा उनका जो भी है डिग्री इंजीनियरिंग की, वो सारी चीज़ें वो यहीं से मिलती हैं उनको। तो खैर ये देखिए स्टूडेंट का सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, जैसा कि लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट यहाँ से, ट्रैक पोस्ट, और ये AKTU ऑनलाइन वन व्यू, इस वन व्यू में आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं जो सेमेस्टर का रिजल्ट आता है 6 6 महीने बाद। और यहाँ छात्र कल्याण, ये इस कोई अलग चीज़ है, ये एंटी रैगिंग, यहाँ KYC में अपना आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ वन व्यू CNK स्टूडेंट ऐप, यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट अपना जो भी उनका मार्कशीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वन व्यू सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ से हम देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर अटेंडेंस, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं सेमेस्टर में हम लोग, उसके अटेंडेंस यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के देख सकते हैं। स्टूडेंट वेलफेयर कोई चीज़ होगी, छात्र कल्याण निधि ये भी उसी तरह है कुछ, स्टूडेंट सर्विस यहाँ पे आपको सर्विस जो भी होंगी पुराने पेपरों पर वो सारी चीज़ें, बाकी ये सेम चीज़ें उसी तरह एंटी रैगिंग के लिए, ट्रैक योर डिग्री, जो भी आपकी डिग्री आने वाली 4th ईयर के बाद। तो यहाँ नो योर कॉलेज, अपना कॉलेज जान सकते हैं रोल नंबर वंबर डाल के, मेरा कॉलेज का नाम क्या है, AKTU के नाम में लिस्ट है, लिस्ट में नाम है कि नहीं AKTU के। ठीक, तो यहाँ से अपना पासकोड जान सकते हैं। फिर यहाँ फिल एग्जामिनेशन, यहाँ से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको इसके लिए ज़रूरत होती है अपनी मेल आईडी की, और मोबाइल नंबर की, आधार कार्ड की, और साथ ही साथ एक चीज़ और होती है, कोई चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ आपको मैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, यूज़र आईडी तो खैर आपका रोल नंबर होगा, पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड में जाके आप देख सकते हैं अपना पासवर्ड क्या है। ठीक, तो वो चीज़ जो चीज़ आपको मैं बता रहा था वो पहले होती है पासकोड जनरेट करने में। ठीक, यहाँ से पासकोड आपको जनरेट करना होगा तो आपको वो सारी डिटेल मांगी जाएंगी। ठीक, तो चलिए मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ, देख लिया यहाँ पे, इसी में यहाँ लास्ट में ही एडमिट कार्ड का दिया रहता है, अगर एडमिट कार्ड जो भी आपका आने वाला है, देखिए लिखा है एडमिट कार्ड लास्ट में, एडमिट कार्ड भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ देखिए फ़ोटो जो लगी हुई है, जो भी यूपी के CM, और ये गवर्नर, और ये विनय कुमार पाठक जो आपको दिख रहे हैं, ये लास्ट में ये AKTU के वो हैं, जिसको आप लोग CEO बोलते हैं, यानी चांसलर कह सकते हो आप। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ये विद्या अब्दुल कलाम की, पहले इसका नाम UPTU था। यहाँ देखिए ये AKTU की जो कॉलेज है, जो मेन कॉलेज है जिससे सारे कॉलेज कनेक्टेड हैं, तो मेन जो कॉलेज है उसकी सारी न्यूज़, वो क्या कर रहा है, वो सारी एक्टिविटी की न्यूज़ यहाँ पे देखिए दी रहती है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है व्यूअर स्टूडेंट, ये कौन कौन सी डिग्री देते हैं वो सारी चीज़ें दी हैं, ये मतलब ग्रेजुएशन में क्या चीज़ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या चीज़ है, और बाकी PhD में क्या चीज़ है। ठीक, नीचे जाएंगे तो आपको ये इसी वेबसाइट मतलब AKTU की जो कॉलेज है उसकी सारी वीडियो फोटो ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक, खैर मैं ऊपर आता हूँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखानी है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं, जैसे कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एक ऐसा नया जोड़ा गया था ये, तो इसमें सारी चीज़ें आपको इनका लेक्चर वक्चर सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, फिर ये यहाँ पे वो सेम चीज़ है, यहाँ पे कोई न्यूज़ आती है तो वो भी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है होम स्क्रीन पे। ठीक, तो और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ ऊपर साइड में देखिए तीन डॉट ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पे, यहाँ क्लिक कीजिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो एक कॉलेज से रिलेटेड है, कॉलेज की खुद का जो AKTU का है, मगर सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वो हमारे लिए हैं फ़ायदेमंद एज अ स्टूडेंट, अगर हम हैं यहाँ कॉलेज में वर्क करते हैं या टीचर हैं जो भी हैं, तो उसके लिए यहाँ देखिए आता है सर्कुलर, इसमें सारी चीज़ें आपकी आती हैं। सर्कुलर का मतलब है जैसे कॉलेज को अगर कोई भी अपना नई बात मतलब अगर देनी होती है, नोटिस देना होता है बाकी कॉलेजों को, जो भी 800 उसके कॉलेज के अंडर में काम करते हैं, तो उसका यहाँ पे वो अपलोड PDF अपलोड कर देते हैं उस चीज़ का। तो यहाँ से आप एक पर्टिकुलर का जिसका भी चाहिए आपको, यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए, और यहाँ मंथ सेलेक्ट कर दीजिए कितने से कितने बीच का आपको चाहिए,
रिलेटेड किस चीज़ से है, ठीक है। तो वहाँ से आपको जितना भी पुराना सर्कुलर होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए नए नए डेली यहाँ पे लगभग सर्कुलर आते रहते हैं। यहाँ पे जो भी है शेड्यूल वेड्यूल, कहाँ किस बच्चे का सेंटर गया है, एडमिट कार्ड कब आएगा कब नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सर्कुलर, इस पर किसी भी क्लिक करके आपको PDF उसकी मिलेगी, है हिंदी में लिखी रहती है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए सारे सर्कुलर हैं, ये बहुत इतने ढेर सारे सर्कुलर हैं कि उस तरह आप पर्टिकुलर ढूंढ नहीं सकते, नए नए सर्कुलर इसमें ऐड होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऊपर ये सेक्शन दिया गया था जो भी आपको मैं दिखा रहा था। ये देखिए ये वाला सेक्शन, ये सर्च करने के लिए। खैर यहाँ से हम दूसरी चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो कॉलेज से रिलेटेड हैं, सब चीज़ों को जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम फिर से होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको फिर कट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉलेज की जो भी ऑफिशियल फेसबुक पेज होगा, ट्विटर का अकाउंट होगा, यहाँ पे देखिए सारे सोशल मीडिया लिंक दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए साथ ही साथ ये योगी जी और मोदी जी की जो भी वार्तालाप होते हैं, ये लोग मिलते हैं, वो सारी फोटो यहाँ पे अपलोड की जाती है जो भी AKTU से रिलेटेड होती हैं। UPC का एग्ज़ाम दिया जाता है, जो यहाँ देखिए मैं दिखा दूँ आपको, जिसके आधार पे बच्चे चुने जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए UPC 2018, इसी के आधार पे ये पेपर देके ही तो बच्चे यहाँ पे आते हैं, मतलब BTech करने या जो भी है का कोर्स, ठीक। और क्या चीज़ें मैं आपको बता दूँ, हाँ ये लखनऊ में ही है, लखनऊ में मैं भी रहता हूँ, यहाँ पे मेरे घर के कुछ ही दूर पे पड़ता है ये कॉलेज जो भी है AKTU, जिसके अंडर में पूरे कॉलेज काम करते हैं। तो अब और चीज़ें आपको क्या बताऊँ मैं इस वेबसाइट के बारे में, बस यही चीज़ें थी जो मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी इस वेबसाइट के बारे में, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या इसमें होता है, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर किसी दोस्त को ना पता हो उसको इस वेबसाइट के बारे में तो उसे बता दीजिएगा कि मतलब कैसे इस वीडियो को आप देख के सीख सकते हो। तो ठीक, बस इतनी सी थी ये वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी वीडियो बनाता रहता हूँ, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसकी, और जो भी टेक टेक वीडियोस होती हैं वो सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगी सबसे पहले आपके होम स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।